हेलो स्टूडेंट, आप सभी का श्रेष्ठ अभी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पीढ़ी एक का अंतर पर बात करने वाले हैं, है ना। पहला प्रश्न यहाँ पर जो ये आता है, पीढ़ी एक का अंतर, छात्रों को इसको समझने में बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है। इसको आज हम लोग बड़े आसान शब्दों में सीखने का प्रयास करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार प्रश्न का हिस्सा बन जाता है। सबसे पहले आपको दो बातें क्लियर रखनी है यहाँ पे। पहली बात एक ये याद रखनी है और दूसरी बात आपको एक पूरा फ्लो चार्ट याद रखना है। इसमें क्या याद रखना है कि जो पीढ़ी एकांतर होता है, इसमें दो प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? दो प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। नंबर एक बीजाणु उद्भिद, जो कि द्विगुणित होती है। नंबर दो युग्मक उद्भिद, जो कि अगुणित होती है। कैसी होती है? अगुणित होती है। चलिए अब हम यहां पर एक तरफ बीजाणु उद्भिद लिख लेते हैं, दूसरी तरफ हम युग्म कोदभिद लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? युग्म कोदभिद। याद रहे हम पुष्पी पादपों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब क्या होता है, बीजाणु उद्भिद अर्धसूत्री वाजन करके युग्म कोदभिद बनाता है। बीजाणु उद्भिद अर्धसूत्री वाजन करके युग्म कोदभिद बनाता है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्पोरोफाइट और इसे बोलते हैं गैमेटोफाइट। दूसरा पॉइंट, युग्मकोदभिद समसूत्री वाजन करके बीजाणु उद्भिद का निर्माण करता है। याद रखना यहां पर निषेचन की भी घटना शामिल है। निषेचन है ना, निषेचन की भी घटना शामिल है, ठीक है। तो युग्मकोदभिद निषेचन और समसूत्री वाजन द्वारा युग्मकोदभिद का निर्माण करता है। तो ये आपके दो पॉइंट और क्लियर हो गए होंगे। अब बात आती है कि सर युग्मक उद्भिद और बीजाणु उद्भिद क्या होता है, यदि एक प्लांट की बात की जाए। तो जब आप प्लांट लोगे तो प्लांट में आप देखोगे जो जो जड़ होती है, तना पत्ती और फल आदि जो आपको देखने को मिलते हैं, वो बीजाणु उद्भिद के अंतर्गत आते हैं। दूसरा पॉइंट, ये सबसे लंबे समय तक रहने वाली अवस्था है, सबसे लंबे समय तक रहती है ना। तीसरा पॉइंट, ये द्विगुणित होते हैं, है ना। आपसे कोई पूछता है कि पत्ती कैसी होती है, द्विगुणित। जड़ कैसी होती है, द्विगुणित। तना कैसा होता है, द्विगुणित। फल कैसा होता है, द्विगुणित। इस प्रकार आप आंसर दे सकते हो। दूसरी बात, इसे प्रभावी अवस्था कहते हैं, क्योंकि प्लांट में जो अवस्था लंबे समय तक रहती है उसे प्रभावी अवस्था कहा जाता है। इस प्रकार बीजाणु उद्भिद के चार पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। दूसरी बात, अब बात करते हैं युग्मक उद्भिद पर। युग्मक उद्भिद की जब हम बात करते हैं तो पुष्प में आप देखोगे जो नर युग्मक और मादा युग्मक है, या फिर बोल सकते हो नर युग्मक उद्भिद और मादा युग्मक उद्भिद। नर युग्मक का संबंध पराकर से होता है और मादा युग्मक का संबंध भ्रूण कोश से होता है, ठीक है। इनको युग्मक उद्भिद में शामिल किया गया है। इसके बाद यह अवस्था जो होती है युग्मक उद्भिद की, यह कम समय के लिए होती है। कैसी होती है? बहुत थोड़े समय के लिए पाई जाती है। इसके बाद इसकी सूत्रगुणता जो होती है वो n अर्थात अगुणित होते हैं ये, और ये अप्रभावी अवस्था होती है। देखिए जो अवस्था पौधे में कम समय के लिए पाई जाती है उसे हम प्रभावी अवस्था, सॉरी अप्रभावी अवस्था कहते हैं। जो अवस्था कम समय के लिए पाई जाती है उसे हम अप्रभावी अवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार आपको चार पॉइंट ये क्लियर हो गए, है ना, बीजाणु उद्भिद पर। और एक पॉइंट ये क्लियर हो गया कि बीजाणु उद्भिद अर्धसूत्री वाजन करके युग्मक उद्भिद बनाता है और युग्मक उद्भिद समसूत्री वाजन करके और निषेचन करके बीजाणु उद्भिद बनाता है। तो चार दो छह पॉइंट इस पे क्लियर हो गए। इसके बाद युग्मक उद्भिद पर चार पॉइंट आपके ये क्लियर हो गए और दो पॉइंट यहां से आ गए कि युग्मक उद्भिद का निर्माण, युग्मक उद्भिद जो होता है समसूत्री विभाजन और निषेचन द्वारा बीजाणु उद्भिद बनाता है और बीजाणु उद्भिद अर्धसूत्री वाजन करके युग्मक उद्भिद बनाता है, है ना। और एक ये आपका क्लियर हो गया। इस प्रकार आप अपने बोर्ड एग्जाम में यदि इस पे क्वेश्चन आता है तो बड़ी आसानी से कर सकते हो। दूसरी बात मैं आपको और बता देता हूं, यहां पर प्लांट में भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जो जड़ तना पत्ती और फल आदि है ये तुम्हारे बीजाणु उद्भिद बनाते हैं, और जो पराकर और लघु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु धानी, है ना, यानी पराकर और जो आपका भ्रूण कोश है ना, ये तुम्हारे युग्मक उद्भिद में आते हैं। किसमें आते हैं? युग्मक उद्भिद में, है ना। नर युग्मक उद्भिद पराकर है और मादा युग्मक उद्भिद
ग्लूकोज होता है ना। इस प्रकार आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। धन्यवाद।